गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ शो दैट ए बी ई ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी है। तो क्या कह रहे हैं भाई, जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का डायग्राम लोग इस तरह से बनाते हैं। कहां से नाम स्टार्ट करना मर्जी आपकी, ए बी सी डी। अब क्या कहते हैं, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड। ए डी प्रोड्यूस्ड माना ए से डी की तरफ प्रोड्यूस हुई है, मतलब है ना, ये ए डी प्रोड्यूस हुई इस तरफ है ना, ये पॉइंट डी यहां है भाई, तो ए डी प्रोड्यूस्ड है ना। कहां था, ई पॉइंट है इसके ऊपर, ये कोई पॉइंट ई आ गया आपके पास, ठीक है। और फिर क्या कहता है, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी ई कैसे बनेगा, जब इसको ज्वाइन करेंगे, और ये सी डी ओ किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आ गया। अब देखो कहता है ए बी ई, ए बी ई ये वाली ट्रायंगल, और सी एफ बी, सी एफ बी और ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो हम लोग प्रूफ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। गिवन टू प्रूफ वगैरह आप लोग लिखेंगे भाई। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ पी, इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एंगल, ये एंगल पैरेललोग्राम है ना, अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ गया, सी इस ट्रायंगल में आ गया, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते, एक एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद देखते हैं, अब ये वाला एंगल नाम रख लेते हैं इसका एंगल वन, और ये वाला एंगल है ना, ये एंगल टू, एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो गया है। अब देखते हैं क्यों हुआ है भाई। देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, ये इसके पैरेलल है, इसी को प्रोड्यूस किया गया, तो इसका मतलब ये भी पैरेलल रहेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स एज ए ई पैरेलल बी सी, ठीक है ना, ये ए ई बी सी के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ पी। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, इन फिगर ए एम बी एंड ए बी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स एट एम एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल बी पे है, और ए एम बी जो है वो एम पे है। प्रूव करना है, ये दो पार्ट हमें प्रूव करने, ए बी सी ए एम पी ट्रायंगल, ए बी सी ये वाली ट्रायंगल और ए एम पी ये वाली ट्रायंगल, ए एम पी, ए एम ये बी होगा शायद भाई, ये दो बार है ना बी लिख दें, यहाँ पी आएगा, ठीक है, ये पी है, तो ए एम पी कौन सी, ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ए बी सी पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, इन दोनों ट्रायंगल में देखते, ए बी सी में तो देखो ये राइट एंगल हो गया, इसका नंबर डाल देते हैं वन, और ए एम पी में टू राइट एंगल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो गया, क्यों हुआ, इज 90 डिग्री, दोनों 90 90 के तो इक्वल हो गए। उसके बाद देखते हैं, जब हम ये ट्रायंगल लेंगे और ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो ये दोनों में आएगा, कॉमन है ये वाला एंगल, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में आता है, तो इसलिए
कॉमन एंगल हो गया। दो एंगल इक्वल हो गए, सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी। कौन सा क्राइटेरिया लगा? फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गई। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास, अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है सी ए बाय पी ए और बी सी बाय एम पी। अब देखो, जब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही पूछता है। तो देखो, ए सी क्या हो गया, ए पी या पी ए हो गया, बी सी, बी सी के नीचे क्या आएगा, एम पी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये सी पी एस टी से है, ये माना जो हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रूव की थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, ठीक है ना।